तो फिर क्या हुआ, धर्मदास जी ने अब ना तो वह भक्ति और करी, अपनी जो ले रहा था कागज पत्र सारे दर दिए तय करके, अक पता के करूं फिर इसका मंत्र गीता में नहीं आराम, इसने रटन ला गिरे। अब श्याम ने सो गया और रोवे अंदर अंदर के भगवान अब कह जब वो संत साधु फिर आ जावे, हे दाता मैं कति बहस नहीं करूं, विवाद नहीं करूंगा, अब के करूं, मैं तो ठगया सा रह गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया, ये भक्ति तब करने की इच्छा कति नहीं बनती, सारी रात ऐसे ही करवट बदल बदल कर वक्त से उठ लिया। अब उसने सोची खाना बना, उठ के वक्त खाना बना लिया ना तो वो पहले लिपा पोती कराया करता, पूजा पाजा की सारी सामग्री जुटाया करता, रोटी बनाने लग गया वक्त से उठ के, अकीब के करूँ बता, और तो कोई काम रहा नहीं। अब खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी तोड़ कर ला रखी थी शाम को, सुबह वक्त से यानी सूर्य उदय होने से पहले लकड़ जला लिए, एक मोटी लकड़ी अन्य सहयोगी लकड़ी लगा के चूल्हा जला दिया, आग अग्नि जला दी, प्रज्वलित कर दी, अपना खाना बनाया, सब्जी बनाई, फिर रोटी बनाई, धीरे धीरे वह लकड़ी जलती जलती चूल्हे के निकट आ गई, पिछला हिस्सा उसका, तब तक सूर्य उदय होने वाला हो गया, प्रकाश सा खूब अच्छा हो गया। अब उसकी नज़र कहाँ गई, उस मोटी लकड़ी के पिछले हिस्से पे एंड पर, वह थोथी थी अंदर से होलो थी और उसके अंदर चींटियाँ थी, चींटियाँ अपने अंडे ले लेकर बाहर निकल रही थी और उस लकड़ी के पिछले हिस्से पर कुछ गिल्ली होने के कारण, जलने के कारण एक तरल पदार्थ सा तेल की तरह उबल रहा था, उसके पिछले हिस्से पर एक थोड़ी सी आधी गिली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो उसका एक ऐसा तरल पदार्थ सा पीछे उबल रहा था, पिछले एंड पर उबलता रहता है। अब वो आगे तो अग्नि फूंक रही, बाहर निकलने की चेष्टा करें तो उसके ऊपर गिर गिर के वहाँ जल रही, चटक चटक हो रही है। अब उसका ध्यान गया, रहो तेरे की जुल्म कर दिया, ओहो वह तो बड़ा घोर पाप हो गया, भगत दयालु होते हैं। अब उसने सोचा, हे भगवान आज तो अनर्थ हो गया, इतना पाप जिंदगी में कदे देखा नहीं, अरे अति इतनी लंबी लकड़ी थी, इसमें तो पता नहीं लाख जलगी, 50,000 जलगी है भगवान चीटियाँ। अब उसने फटाफट वो जल बुझा दिया, जल डाल कर लकड़ी तो, और सोचा कि इसे पाप के अन्न को मैं नहीं खाऊंगा, इस पाप के भोजन को नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिला दूंगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर रख कर थाली में चल पड़ा, क्योंकि मथुरा के आसपास ये भगत साधु संत घूमते ही रहते हैं। उस समय परमात्मा ने हिंदू साधु का रूप बना लिया, लाल से कपड़े अपने ऊपर कर लिए, और हिंदू धर्म के लोग ऐसे ही लोगों को साधु मानते हैं। धर्मदास जी ने देखा कि सामने एक महात्मा बैठा है, उसके पास गए और कहा, महात्मा जी भोजन फालो। परमात्मा ने कहा, रख दे धर्मदास, भूख लगी है भाई। अब धर्मदास जी ने देखा कि ये आदमी मुझे कैसे जानता है, ध्यान किया और ऐसे लगता कुछ देखा हो, लेकिन वेश बदल रखा भगवान ने। सोच लिया कि मैं भंडारे करता रहता हूँ, कभी आया होगा भंडारे में महात्मा धर्मयज्ञ में, तो कहा महाराज भोजन खा लो। का अच्छा भाई, अब परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, लोटे में जल ले रखा था अपने में, उसमें से जल लिया चुल्लू में, एक मंत्र हा बोला और पूरी बात पर छिटक, जितना भी भोजन था सारे पर छिटक दिया, छींटे मार दिए। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली हो गई और चींटियाँ अंडे मुंह में लेकर के बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं, पूरी थाली में घूम रही हैं, भोजन नहीं रहा। तो परमात्मा उसी रूप में आगे जिस रूप में पहले दिन वार्ता हुई थी और कहा, रे धर्मदास कल क्या कह रहा था कि तुम कोई जीव इंसान ही करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा,
इतनी चीटी पाप का भोजन तो मुझे खिलाने लाया था, चरण पकड़ लिए हैं, पैरों में गिर गया, हाथ जोड़े, हे भगवान गलती होगी, हे परमात्मा माफ कर दो मुझे, मालिक मैं नीच गणा हूँ और पिछला यो गंदा रंग मेरा गणा चढ़ रहा था, दाता मेरे से गलती बन गई, रो है बुरी तरह, हे भगवान मुझे कुछ और ज्ञान बताओ, आपने तो इधर का छोड़ा ना इधर का, मैं तो सारी रात करवट बदल कर काटी दाता। तब परमात्मा ने कहा अब सुन ले ज्ञान सुनाऊं कि जो साधना तू कर रहा है बच्चा ये तेरे को घोर नरक में डालन की है। कहाँ से चल कर आया है तू? बांधोगढ़ से आया हूँ महाराज। बांधोगढ़ मथुरा से कितनी दूर है कि लगभग 800 किलोमीटर, 700-750 किलोमीटर। किस साधन से आए हो कि पैदल चल के आया हूँ महाराज? तो बच्चा बांधोगढ़ से यहाँ आने तक आपने कितने जीवों को अपने पैरों के तले मार डाला, कुचल कुचल कर, सूक्ष्म प्राणी जो दिखाई नहीं देते, और कीड़े मकोड़े ये तो गिनती नहीं, पुण्य तेरे को एक नहीं क्योंकि इस जोड़ में नहाते के फायदा, जिस मथुरा के तालाब को तीर्थ मानते हो और ये मानकर आपके धर्मगुरु आपको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, लेटा करते थे, नहाया करते थे, तो परमात्मा ने बताया यहाँ तो कंस भी नहाया करता इसमें, और कंस भी यहीं लोटा करता, और श्री कृष्ण जी तो इस मथुरा ने छोड़कर द्वारका बनाई थी समुंदर के बीच में एक टापू सेलेक्ट करके, वहाँ रहा करते, वहाँ क्यों नहीं जाते तुम? वो दूर गणा पड़ता होगा, और परमात्मा ने दया करी थी, वो द्वारका को जल में डबो दिया था कि गढ़ धक्के खाण ना होंगे, कदे भ्रमित होकर यहाँ पहुँचे, और तुम वही साधना कर रहे हो जो शास्त्र विरुद्ध है। अब धर्मदास जी तीर्थ में नान का तो एक भी पुन को नहीं, फिर तीर्थ के विषय में बताया कि इसको तीर्थ आपने इसलिए मान लिया कि श्री कृष्ण जी यहाँ नहाया धोया करते, यहाँ रहा करते इस तालाब के आसपास, और अन्य तीर्थ सुन ले, और दूसरे धाम कैसे बने हैं, ये मंदिर कैसे बने हैं, जैसे अमरनाथ का मंदिर जहाँ तुम मोक्ष उद्देश्य से जाते हो बोली आत्माओं, वो अमरनाथ कैसे कहलाया कि भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को उस स्थान पर मंत्र दिया था जिसको तुम अमर मंत्र बोलते हो, और वो हमारी फर्स्ट एड है, प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है, ये प्रथम मंत्र जो आपको दिया जा रहा है, ये मंत्र 5 मंत्र बीच बीच के ये पार्वती को दिए थे, वो उसका तुमने पता भी कोई ना, कौन सा हो अमर मंत्र, अमर मंत्र अमर मंत्र करते फिरते हो, और उस स्थान पर भगवान शिव ने पार्वती को नाम दिया था जिस कारण से उसने सच्ची लगन करके जाप करके और जितना अमृतव प्राप्त हुआ वो प्राप्त किया, वो कितना है, जब तक वो शिव जी भगवान की मृत्यु नहीं होगी पार्वती उसके साथ रहेगी, उससे पहले वो 107 बार जन्म और मर ली थी। अपने आत्माओं वहाँ अब ना शिव जी कोई मंत्र दे दिया आपने और ना कोई और स्थान व्यवस्था, तो वो नाम अमर मोग अमर मंत्र पूरे गुरु तें आपको जहाँ मिल जाए धर्मदास, अगर आपको वो मंत्र कहीं पर भी मिल जाता तो उस प्राणी के लिए आपके लिए वो स्थान अमर अमर धाम है, वो अमर लोग अमर है, अमर धाम है, वो अमरनाथ का स्थान वो है उसके लिए, जैसे ही बाप जी को यहाँ बरवाला आश्रम में मिलता है मंत्रियों, तो आपके लिए तो यू है तीर्थ, ये बरवाला बड़ा वो तीर्थ है, लेकिन जैसे क्रोथा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था तो उनके लिए वो क्रोथा है वो अमरधाम, लेकिन उस अमरदान ने के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे, ई वहाँ कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा, दास तो बैठा है यहाँ पर, तो उन आपको इस दास के पास आना पड़ेगा, और उस अमर उस क्रोथाश्रम में कख नहीं, तो
तो इस प्रकार उनको समझा के फिर बताया। धर्मदास जी कहने लगे, महाराज मेरा कति आत्मा गंदे रंग में रंगी हुई थी अज्ञान से, आपने बड़ी दया कर दी, मेरी आंख खोल दी।